यार मेरे तीन मैचेस तो एक टेस्ट मैच है, एक T20, एक वनडे, ठीक है। जो टेस्ट मैच है वो चेन्नई वाला टेस्ट मैच है, उसी सीरीज का शोएब अख्तर जिसमें बोल्ड किया था, उसका पहला टेस्ट मैच है। दोनों बेस्ट टेस्ट मैचेस तो आप दोनों ले गए। उसकी एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें शायद अफरीदी ने 141 किए थे फर्स्ट इनिंग में, जावेद भाई खड़े हुए थे ना बालकनी में बार बार बोले जब जावेद मेहताब कोच थे ना, तो वो उनको एज अ प्लेइंग 11 के अंदर लोग एज अ 12th मैन काउंट करते थे, क्योंकि वो सारा टाइम खड़े हुए थे अफरीदी के साथ, उनके बहुत ऐसे सीन थे। दूसरा क्या था, एक तो ये हो गया 141 बनाए थे इसमें शायद अफरीदी ने, सही है। उससे पहले बात हो रही थी कि इसको टेस्ट मैच मत खिलाओ, ये तो नहीं, ये टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है, बहुत क्रिटिसिज्म था। 141 हुआ, फिर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 270 समथिंग कुछ टारगेट दिया था इंडिया को, उसने ऑलमोस्ट टेंडुलकर ने मैच जिता दिया था। सिर्फ जो है बहुत ड्रामेबाजी, ओवर एक्टिंग, कमर में दर्द है, बार बार फिजियो आ रहा है, कमर दबा रहा है, लेट रहा है, बैक स्पैज़म था, खैर होगा, मगर बहुत ओवर एक्टिंग की थी उसने, मुझे याद है। उसमें उसने जो है ना पाकिस्तान जो जीता है ना, वो इसी वजह से मुझे खुशी हुई है कि उसको बैक स्पैज़म था, एंड तक खेल के गया, 17 रन शायद 19 रन वो रन रह गए थे सकलेन को, उसने बहुत मारा था उस इनिंग, निकल के मिड विकेट पर, निकल के मिड विकेट में मारा, बस एक उसका वो ब्रेन फ्रीज हुआ, पता नहीं क्यों वो आगे बढ़ा और उसने बॉल खड़ी की, उसी मैंने कैच पकड़ा, फिर बाद के तीन तो सकलेन ने, वो तो यूं गए थे वो जबकल सीरीज ना। दूसरा वनडे जो मुझे, दूसरा मेरा वनडे है वो कंट्रोवर्सी बहुत